तुम पश्चिम महाराष्ट्र की ओर आई औरंगाबाद में, और वो भी मेरे क्लास में, खड़के क्लासेस में, आप यहां कैसे आए? लड़की भी चुप बैठी। लड़की के साथ एक आदमी आया था, वो बोला सर इन दोनों को थोड़ा बाहर जाने दो, ऑफिस के बाहर, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं। बोला ठीक है। वो लड़की और उसके पिताजी बाहर गए। वो जो आदमी आया था वो पयाम इंसानियत फोरम का वेस्ट बंगाल का इंचार्ज था। देखो क्या हुआ था, कैसा होता है। मैंने पूछा तुम वेस्ट बंगाल से इधर आए तो इस लड़की को मेरे पास क्यों लेके आए? वो बोले सर मसला ऐसा है, मराठी पण कळते सर, प्रश्न असा, म्हणे मसला असा आहे की ही जी मुलगी आहे ती फार हुशार आहे। म्हणलं हुशार आहे तर इकडे कशाला आणली, इधर क्यों लाए? वो बोले प्रॉब्लेम है कि इसके घर में बहुत सारा पैसा है। बोला ठीक है, लड़की बहुत होशियार है, लड़की के घर में बहुत सारा पैसा है, मां बाप के पास पैसा है, तो लड़की इधर क्यों? तो उन्होंने बोलना शुरू किया। वो बोले प्रॉब्लम ऐसा है सर, इनके घर में इतना पैसा है कि मां बाप दोनों का कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, डेली इनके झगड़े होते रहते हैं, और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ तलाक लेना चाहते हैं, घटस्फोट घायल आई वड़लना, दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहना चाहते हैं। मैं बोला यार तुम्हारे वेस्ट उधर के वेस्ट बंगाल के झंझट में मुझे क्यों गिरा रहा है? एक तो प्रॉब्लम बोला लड़की को मराठी आती नहीं, लड़की को अच्छी हिंदी भी आती नहीं है, लड़की बात करती इंग्लिश में, तो तुम इसको इधर छोड़ के जाएंगे तो इसको संभालेंगे कौन? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पयाम इंसानियत ग्रुप में काम करता हूं, और वहां पे हमने देखा एक जगह पे लड़की को रख के तो मां जाती है लड़की को घर पे लेके आती है, दूसरे दिन पिताजी लड़की को लेते क्लास पे हॉस्टल पे छोड़ के आते, जब मम्मी दूसरे हॉस्टल पे छोड़ती तो पिताजी उसको लेके आते हैं घर पे रखते, इसमें लड़की का हो रहा नुकसान। मैं बोला तुम इतने दूर छोड़ रहे कि जहां पे मां बाप ही ना आ सके, ऐसा कर रहे क्या? वो बोले ऐसा नहीं सर, देखो अब क्या हुआ, लड़की को मेरे पास छोड़ के गए, मैंने कहा ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी फीस भर के निकल के गए। तीन चार महीने लड़की अच्छी रही, लड़की को मां बाप के कॉल आते रहे, दो साल के लिए लड़की औरंगाबाद में रखी थी। दोस्तों तीन महीने के बाद ना उसके मां का कॉल लग रहा, ना पापा का कॉल लग रहा, किसका कॉल नहीं लग रहा। फिर दो दो महीने के बाद उनके कॉल लगते थे। और पयाम इंसानियत का जो वेस्ट बंगाल से आए वाले लोग, और हमारे एक प्रोफेसर है औरंगाबाद में रिस्पेक्टेड बोरा सर, वो उनके कांटेक्ट में वो लड़की थी। तब तक तीन चार महीने में हमको भी समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। अब देखो छह महीने गुजर गए, एक साल गुजर गया, वो लड़की हमारे यहां पे जैसे हॉस्टल पे रहती थी औरंगाबाद में, तो घर के जैसी बन गई। अब देखो दोस्तों कैसा हुआ, एक बार वेस्ट बंगाल से उसके पिताजी घर छोड़ के गए, ना पिताजी का फोन लग रहा ना कुछ लग रहा, चार महीने बाद बाहर मां का कॉल आ गया, तुम्हारे पिताजी किधर गए कुछ पता नहीं। लड़की रो रही हमारे पास आके, सर पिताजी किधर गए हमको पता नहीं। हमने मां को कॉल किया तो मां बोलती मैंने थोड़ी ना तुम वो लड़की को तुम्हारे पास भेजा है, मेरे मिस्टर लेके आए थे उनकी लड़की को। मैंने बोला किसने पैदा किया लड़की को, मिस्टर लेके आए थे, मेरा कुछ लेने देना नहीं है। बोले उनके पास ही फीस मांगो, पैसा उनके पास भरो। दोस्तों एक बात याद रखो, वेस्ट इंडीज वेस्ट बंगाल से आई वाली, पश्चिम बंगाल से आई वाली उस लड़की को छह महीने का टोटल खर्चा पयाम इंसानियत ग्रुप में औरंगाबाद में दिया, उसका छह महीने का पूरा खर्चा। एंड दूसरी बात, उसके पिताजी छह महीने बाद औरंगाबाद में आए, तो मैंने उनको पूछा यार तुम ऐसे छह छह महीने गायब रहते किधर जाते? वो बोले मैं गया था किधर ऐसा ये करने वो करने के लिए, हम उस झंझट में नहीं गिरे। मगर वो जो लड़की इतनी ब्रिलियंट थी, बहुत मेहनत करने वाली थी, पयाम इंसानियत ग्रुप ने उस लड़की को पश्चिम बंगाल से उठा के औरंगाबाद में रखा। दोस्तों एक बात याद रखो, जिस दिन लड़की की 12वीं की एग्जाम हो गई, उसकी मेडिकल की एग्जाम हो गई, वो लड़की अभी एमबीबीएस कर रही है मुंबई को, जिस दिन लड़की दो साल उसके मां बाप के पास भी नहीं जा रही थी, वो दो साल औरंगाबाद में रही, जिस दिन उसका यहां से वेस्ट बंगाल को जाने का वक्त आ गया, वो लड़की क्या बोली, सर मुझे यहां पे रहना है। बोले मां बाप के पास नहीं जाना। मैंने बोला क्यों? वो बोले इंसानियत में तो मां बाप बैठते हैं, मां बाप में आज किधर इंसानियत है? इंसानियत में आजकल मां बाप दिखते हैं, मां बाप में किधर इंसानियत है? मैंने उसको कहा जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो जन्म देने वाली तेरी मां है, मगर उसके पीछे तुझे यहां पे धरती के ऊपर भेजने वाला भगवान है, खुदा है, यीशु है, बौद्ध है, तू कुछ डर मत। उसके मां बाप को हमने औरंगाबाद बुला के लिया, वो भी झगड़े करते हुए आए। तुमको आज बोलता हूं, उनका रामा इंटरनेशनल में रहने का 15-20 हजार रुपए का खर्चा मैंने किया। जब उनको थोड़ा सा समझाने के बाद उनको समझ में आया कि लड़की क्या चीज है, झगड़े नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब जाके वो लड़की को वो वेस्ट बंगाल लेके गए ना, आज वो लड़की को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं।
तो एक बात याद रखो, वेस्ट बंगाल का एक आदमी एक मिनल नाम की लड़की को, चक्रवर्ती को औरंगाबाद में लेके आता है, मेरे पास रखता है, तो उसमें 2 साल निकल गए थे। तभी जो हमारे प्रोफेसर बोरा सर थे वो मुझे बोले कि सर ये हम जो काम करते हैं पयाम इंसानियत ग्रुप का, चलो उनसे मिलवाते हैं। तो औरंगाबाद में एक होटल में इन्होंने कार्यक्रम रखा था, मैं वहां पे गया। तो दोस्तों एक बात याद रखो, मुझे पहले लगा कि पयाम इंसानियत ग्रुप में सब इंसानियत नाम आया तो सब बूढ़े लोग काम करते होंगे। मैं कार्यक्रम शुरू हुआ 5 बजे, शाम के 7:30 बजे तक इंतजार कर रहा था कि इंसानियत सिखाने वाले लोग आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। प्रोग्राम खत्म होते आया मैंने एक को पूछा, भाई वो इंसानियत सिखाने वाले लोग किधर आए, कब आएंगे इंसानियत सिखाने वाले लोग? वो बोले सर पयाम इंसानियत ग्रुप में बूढ़े लोग हमको सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, हमको ऊपर से अच्छा बोलते हैं, काम तो सब हम ही करते हैं। तो ये पयाम इंसानियत ग्रुप है, यहाँ पे बूढ़ों का आदर जलापन मन तो शाम सत्कार केला जातो, बूढ़े लोगों से सीखा जाता है। और ये जो यंग जनरेशन आज गुटका दारू ऐसी बातों में इन्वॉल्व है, इन लोगों को वहां से छुटकारा पिया जाता है। यानी वेस्ट बंगाल की एक लड़की के बारे में पयाम इंसानियत ग्रुप ऑल इंडिया में काम करता है, इसके लिए सोच सकता है। औरंगाबाद में आप आज 2 क्लिनिक खोले हैं जिसमें 10 रुपीज में गरीबों को इलाज किया जाता, मातोश्री फाउंडेशन नाम का वहां पे एक आश्रम है बूढ़ों का, उनका चेकअप किया जाता 2 दिन को 4 दिन को जो वहां पे बोले। एक बात दोस्तों यहां पे एक बात याद रखना, हम वहां पे मातोश्री एक आश्रम है जहां पे जो बूढ़े बुढ़िया जो होते हैं उनको वहां पे जाके रख देते हैं। मैं एक बार पूना में कार्यक्रम में गया था मौलाना साहब, तो पूना में प्रोग्राम में जाने के वक्त वहां पे एक बूढ़ी थी, वो गाड़ी में से उतरते वक्त थोड़ी सी नीचे गिर गई। तो मैं जब गाड़ी से उतर रहा था तो मैंने उसके गाड़ी में बैठे वाले उसकी जो दूसरी एक लेडीज थी, थोड़ी यंग थी, शायद उसकी बहू होंगी, मैंने कहा आंटी, पहले तो मैंने उसको आंटी बोला तो उसको गुस्सा आया, वो बोले मुझे आंटी बोलता, मतलब ताई, हाँ बोले सही बोला, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला ये बूढ़ी गिर गई है, वो बोली वो डस्ट भी नहीं, गिरने दो, क्या करने का मुझे, क्या बोली वो, डस्ट भी नहीं बोले, गिरने दो। जिस भारत में, जिस इंडिया में, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जहां पे आज बूढ़ों को डस्टबिन माना जाता है, तो मैंने कहा तुम उनकी कौन है? वो बोली मैं बहू हूं। और बोले ये गाड़ी चल रहा कौन है? वो बोले ये मेरा हस्बैंड ने बोले नवराय बाजा। तो मैंने कहा गलती इस बूढ़ी की है, जब तुम्हारा जो हस्बैंड है, शोवर है, जब पैदा हुआ था ना उसी दिन उसको कुचल के मारा होता ना और डस्टबिन में फेंक दिया होता ना, तब साली तेरे को आपको समझ में आती थी कि क्या चीज है। तो ये थोड़ा सा जो सोसाइटी में बदल आ रहा है, जो लोग बूढ़े लोगों को ओल्ड हेरिटेज अपन जिसको कहेंगे वृद्धाश्रमा मध्य निहून सोड़ता। दोस्तों औरंगाबादच्या त्या वृद्धाश्रमा मध्य मातोश्री मध्य गेल्यावर सगळ्यात लाज वाटायची एक गोष्ट है, औरंगाबादच्या मातोश्री वृद्धाश्रमा मध्य एक पण म्हातारा किंवा म्हातारी अशी नाही की ज्यांचे पोर किंवा पूर्गी शेतकरी। फार्मर के मां बाप कभी वृद्धाश्रमात नाही टाकत, हे सगळे शिकलेले आमच्यासारखे औलाद आहेत ना, डॉक्टर झालेले, इंजिनियर झालेले, सो कॉल CABA हायफाय झालेले, यांना घरात आई वडील ठेवायचे नाहीत, म्हणून आई वडिलांना मातोश्री आश्रमात ठेवतात। अबे हरामखोराच्या औलादींनो म्हणण्यापेक्षा हरामखोरांनो, तुम्ही जरी तुमच्या आई बापाला सोडलं ना तर आमच्यासारखे लेकरं तुमच्या आई बापासाठी पैदा केलेत अल्लाना देवाना आम्ही आहोत। म्हणून पयाम इंसानियत ग्रुप औरंगाबाद मध्ये अशा तरुण माणसांना त्यांच्या बायकाला शोधतंय की ज्यांनी त्यांच्या आई वडील वृद्धाश्रम मध्ये नेऊन ठेवलेत, त्यांच्या घरापुढे जाऊन बसतात, त्यांना समजून सांगतात की तुमच्या आई वडिलांना घरामध्ये घ्या। म्हणजे सगळ्यात लाज वाटायची गोष्ट काय, माणूस म्हणून जगत असताना ज्या माणसानं आपल्याला जन्म दिला तो माणूस आम्हाला नकोय, फक्त आम्हाला आज व्हाईट कॉलर पाहिजे, टाईट कपडे पाहिजे, चांगली गाडी पाहिजे, मेकअप केलेली बायको पाहिजे, तिनं मेकअप केलं नाही तर तिला आवडत नाही, हे असं आहे। आई वडील फार दूरची गोष्ट आहे, हा आमचा सगळ्यांचा प्रॉब्लेम चालू आहे। म्हणून पयाम इंसानियत ग्रुप काम करतो ना मित्रांनो, हा असे पश्चिम बंगाल मधली पोरगी इथं आणून सोडली, तिचं कल्याण केलं, औरंगाबाद मध्ये मातोश्री आश्रम मध्ये काम करून सगळ्या म्हाताऱ्यांना काय काय पाहिजे, त्यांना काय पाहिजे यासाठी काम करतं। आज यहां पे बैठे वाले बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ी बात नहीं होंगी, क्योंकि आज जिल्हा परिषद की इलेक्शन है, पंचायत समिति की इलेक्शन है, नगर पालिका आता झाल्या, सगळ्यांना तशी एखादी सभा लागली ना सगळे येतात आपापले कार्यकर्ते घेऊन, पण आई वडील नावाचा उमेदवार कधी निवडून आणणार? अरे आई वडील नावाचा उमेदवार कधी निवडून आणणार? आपला नेता सगळ्यात मोठा करतो पण घरातला बाप कार्यकर्ताच ठेवतो आणि पोरग घरात मुख्यमंत्री म्हणून बसतो।
आमच राजकारण कसं चालू आहे, पोरगा घरातला मुख्यमंत्री, त्याची बायको गृहमंत्री आणि आई त्याच्या आईला तिथं सगळे सामान्य कार्यकर्ते, चटई उचल, लेकराचं ढुंगण धू, कपडे काढ त्याचे, डायपर साफ कर, हे आई वडील आणि बायको फक्त बरोबर बसायला. हे जोपर्यंत बदलणार नाही ना तोपर्यंत आपण जगात कधीच बदलणार नाही. म्हणून मित्रांनो दोस्तो एक बात याद रखो, हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं कि जब तक इंसान, देखो एक हिंदी में कहावत है, एक बात है, तुम सब जानते हो मुस्लिम धर्म के लोग यहां पे है, देखो वर्ड कैसा आता है, शब्द कैसा ये तो लफ्ज कैसा आता है, हम कहते हैं खुद खुद, और खुद को बनाने वाला खुदा, खुद को बनाने वाला खुदा, खुद खुदा. जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता ना, खुदा भी उसको बदल नहीं सकता. जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता, खुदा भी उसको बदल नहीं सकता. खुदा ने तो तुमको इधर भेजा है अच्छाई के साथ, तुम यहां आके शैतान का दिमाग लेके चलते तो उसको खुदा भी क्या करेगा, तुम यहां पे शैतान का दिमाग लेके चलते तो खुदा भी उसको क्या करेगा. दोस्तों एक बात याद रखना, एक कहावत, एक छोटा सा शेर है, लेके रुखसत इस जहां से, लेके रुखसत इस जहां से खुले जब आंखें तेरी, लेके रुखसत इस जहां से खुले जब आंखें तेरी तब कर खुदा का सामना, लेके रुखसत इस जहां से खुले जब आंखें तेरी तब कर खुदा का सामना, तो कभी झुके ना नजर तेरी, तो कभी झुके ना नजर तेरी. अल्लाह के पास, भगवान के पास जाने के बाद सच और झूठ का फैसला होने वाला है. कुरान में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बौद्धांच्या पंचशिले मध्ये लिहिलेलं आहे, सत्य कर्मच माणसाला वाचू शकतं, असत्यानं माणूस वाचत नाही. जहन्नुम में जाएंगे कि जन्नत में जाएंगे, स्वर्गात जाणार का नरकात जाणार, पुनर्जन्म मिळणार का नाही मिळणार, हे तुमचं आजच्या कर्मावर आहे. ये आज की कर्म के ऊपर तुम्हारी जिंदगी है. तो तुम सभी को मैं जितना मुझे समझ में आता उतना इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए यहां पे नहीं आया हूं. मुझे अब यहां पे मैं जो खड़ा हूं ना, देव अंसा अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, बौद्ध है, वो मेरे मुंह से बुला रहे हैं, वो मेरे मुंह से वो जो शब्द आ रहे हैं ऊपर वाले की दुआ से आ रहे हैं. प्रदीप फिर के कुछ नहीं कर रहा. तो दोस्तों एक बात याद रखो, जब तक हमको खुद के ऊपर, खुदा के ऊपर भरोसा है और उसने जैसे जीने के लिए कहा वैसे जब तक हम जीते नहीं ना, तब तक तुम कितनी भी स्टाइल मारो, कितना भी कुछ भी करो, तुमको सुख चैन की नींद कभी भी नहीं आएंगे. सुखाने झोपायचं असेल, चांगलं झोपायचं असेल तर घरामध्ये आई वडिलांचा आदर करायला शिका, भावाचा आदर करायला शिका, बहिणीला बहिणीसारखं वागवायला शिका, बायकोला बायकोसारखं वागवायला शिका. आणि आमचं नेहमी तरुण माणसांचं एक चुकतं, इम्प्रेशन कुणावर मारणार, दादागिरी कुणावर करणार, बायकोवर. ऐ तुला अक्कल नाही का, हरामखोर, तिला अक्कल असते पण तिला माहित असत काय जन्मभराचा साधी कशाला बोलून काय उपयोग आहे, है की नाही. आणि उरला सुरला जर इम्प्रेशन मारायचं असेल तर उरती आपली माय आई, त्या आईला म्हणणार तुला काय कळतं, तुझे काय समज में आ रहा, तू त्या घर का काम करना. आणि सगळ्यात शेवटी उरलेला तो खाना घरातला, उरलेला एखादा माणूस, नरसाला माणूस, कोण, बाप. हमारे यहां पे जो यूथ बैठा है ना बॉस, जे तरुण पोरं बसलेत ना, त्या तरुण पोरांचं एक टिपिकल चांगलं स्टेटमेंट आहे बघा, मुला मुलींचं स्टेटमेंट आहे आजकालचं, मां बाप को तो ये साला एखादा टेनिस का बॉल रहता ना, जसं एखादा वीरेंद्र सहवागने सिक्स मारा वैसेच मां बाप को सिक्स मारे और ग्राउंड के बाहर फेंके, ऐसा फेंकते डेली. बाप 10 बार बोलता ए बेटा घर के बाहर निकल रहा, पुलिस का छोड़, तर हेलमेट पहन के जा. वो बोलता है बूढ़े अकल नहीं क्या, हेयर स्टाइल खराब हो रही है. आज के यूथ को हेलमेट पहनना बोले तो क्या खराब हो रहा है, इसका हेयर स्टाइल खराब हो रहा. लड़कियों का तो हमारे छोड़ो, उनकी तो हेयर स्टाइल पहले से खराब होती बाद में. तो दोस्तों एक बात याद रखो, पायम इंसानियत ग्रुप इस बात के लिए भी जन जागरण कर दो, हम इस बात को भी हम लेके चलते हैं कि जितने भी यूथ है ना जो गाड़ियों के ऊपर घूमते ना, बॉस हेयर स्टाइल का छोड़, दिमाग एक दिन सटक जाएगा, काहीच राहणार नाही. म्हणून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, आम्हाला आयुष्यात पुढे जायचंय, आम्हाला सगळ्यात चांगलं बनायचं आहे, हमको मां बाप के सपने पूरे करना है. तो जब हम किसी भी गाड़ी के ऊपर जाते ना दोस्तों, हेलमेट पहनना जरूरी है. 100 रुपए के लिए मत पहनो कि पुलिस वाला वहां पे दंड लगाएगा, ये करेगा वो करेगा. एक बात याद रखो, तुम गाड़ी की चाबी तुमने लगाई, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ना, इधर मां का हार्ट बीट बढ़ता है और मां पीछे से बोलते बेटा थोड़ा धीरे से. जितनी मां धीरे से बोलते ना, इतना बेटा फास्ट भागता.
समझ में नहीं आता। तो ह्या गोष्टी वरती कोणी तुम्हाला सांगून तुमचं काही भलं होणार नाही मित्रांनो। तो ये जो यंग जनरेशन यहां पे बैठा है उनको थोड़ा सा आज मैं सब्जेक्ट छोड़ के बोल रहा हूं, इंसानियत का सबक तो हम सीखेंगे, मगर माँ बाप के सामने बेटा च नहीं रहा ना तो उस माँ बाप को समझ में आता है बेटे की कीमत क्या होती है। औरंगाबाद में वैसे हुआ दोस्तों, 10 दिन पहले हमारे इलाके में एक लड़का रहता था, ऐसी गाड़ी भगाता था, ये अकेला नहीं, डबल सीट नहीं ट्रिपल सीट, इतनी फास्ट गाड़ी, उधर दौलताबाद की तरफ जा रहा था, एक ट्रक को धड़क दिया तीनों खलास। मगर एक बात याद रखो, 65,000 रुपए खर्चा करके जो गाड़ी खरीदी थी ना, गाड़ी को खरोच भी नहीं, गाड़ी साइड में बच्चे ट्रक के नीचे। आज जब भी मैं उस घर के सामने से जाता ना, गाड़ी वैसी खड़ी है। और मैं 3-4 दिन पहले उनके घर में मिलने के लिए गया था, मैं बोला जो हुआ सो हुआ, तो उसकी माँ जो है ना बच्चे की, गाड़ी की तरफ देख के रोती और बोलती, गाड़ी के ऊपर बैठे वाला मेरा बच्चा आज भी मुझे दिखता। और मुझे बोली, प्रदीप सर मेरे बच्चे को वापिस लाओ। मैंने बोला, माँ तुम्हारे बच्चे को तो वापस नहीं लाऊंगा, पर महाराष्ट्र में जहां जहां जाऊंगा ना, किसी माँ का बच्चा फिर कहीं ना जाए इसके लिए बोलता तो रहूंगा कि माँ का बच्चा किधर ना जाए। ये तरुण बोरत ना, तुम्ही इम्प्रेशन मारा, स्टाइल मारा, फक्त विचार करून, कारण गाडीवर जात असताना किंवा गाडी भगाते वक्त समय जो है कब बुरा किसी की जिंदगी में आएगा कोई किसको बोल नहीं पाएगा। चलो हम थोड़ा पयाम इंसानियत ग्रुप की तरफ आते हैं, हमारे घर के बारे में बोल के बहुत भारी हुआ। दोस्तों देखो, एक 6 लोग थे, 6 लोग थे, एक जंगल में से जा रहे थे 6 लोग। अरे बे, 6 लोग जंगल में से जा रहे थे तो इन 6 लोगों को ऐसे 100-200 लुटेरे लोगों ने घेर लिया। एक 6 माणसं होते त्यांना 100-200 दरोडेखोर लोकांनी घेरलं। अब देखो क्या हुआ, जंगल में से कोई आता नहीं था जाता नहीं था, ये 6 लोग जंगल में से जा रहे थे। अब 6 लोगों को घेरने के बाद में प्रॉब्लम ये हुआ, अब देखो हाँ, दोपहर के 12 बजे इन 6 लोगों को 100-200 लुटेरे लोगों ने घेर लिया। अब मैं तुमको थोड़ा सा 2 घंटे आगे लेके जाता हूं। दोपहर के 12 बजे 6 लोगों को 100-200 लुटेरे लोगों ने घेर लिया, 12 बजे। अब मैं तुमको 2 बजे की कहानी बोलता, 2 बजे उस रस्ते पे जहां पे 6 लोगों को 100-200 लुटेरे लोगों ने घेरा था, वहां पे एक लाश गिरे वाली थी। तुम बोलोगे 6 माणसांना 100-200 दरोडे घोरांनी घेरलं 12 वाजता दुपारी, आणि दुपारच्या 2 वाजता रस्त्यावर फक्त एकच कस काय माणसाची लाश आहे, बाकी 5 गेले कुठे? देखो 12 से 2 बजे के बीच में क्या हुआ वहां तक आते। अब दोपहर के 12 बजे 6 लोगों को 100-200 लुटेरों ने घेरा था, 12 बजे उनको पकड़ा, उनको मारा, मारते वक्त उनको बोला चलो पैसा कितना है क्या है सब निकाल लिया, 12:30 बजे थे। इनको मारते मारते बहस करते करते 1 बजा। अब दोस्तों 1 और 2 बजे के बीच में क्या हुआ, 1 और 2 बजे के बीच में ये जो 100-200 लुटेरों थे ना, उसमें से कुछ लुटेरे आगे आए, उन्होंने कहा तुम सब 6 लोग है ना? वो बोले हाँ। तो बोले इसमें से मुस्लिम धर्म का कौन है? एक आदमी आया 6 में से, मैं मुस्लिम हूं। उन्होंने उसको बोला चला जा इधर, स्टोरी है यार। उसके बाद कुछ लोग आ गए, वो बोले इसमें से हिंदू धर्म का कौन है? और एक दूसरा हिंदू निकला, बोले चलो तो आ जा, बचे कितने? 4। फिर बौद्ध धर्म का आया, उसको बोले बौद्ध कौन है आ जाओ। फिर ईसाई आया, उसको बोले आ जाओ, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई। और कुछ लुटेरे थे, वो बोले शिख कौन है इसमें से? एक आ गया, मैं बोले शिख हूं, आ जाओ इधर। तो 5 धर्म के लोगों ने अपने अपने लोगों को बचाया, 5 लोग बच गए, रहा था एक आदमी। उसको खोल खोल के पूछ रहे, अबे मजहब कौन सा तेरा, धर्म कौन सा है, जात कौन सी है तेरी, बोलना। मित्रों उस आदमी का उन्होंने कत्ल किया। क्यों कत्ल किया होगा? क्योंकि जो आदमी था जिसका कत्ल किया, उसको उन्होंने 10 बार पूछा मजहब कौन सा है, धर्म कौन सा है, जात कौन सी है, बोल बे तुझे बचाएंगे हम। दोस्तों उसका सारे आम कत्ल इसके लिए कर दिया गया क्योंकि वो इंसान गूंगा था, वो इंसान गूंगा था, उसको ना मजहब था ना धर्म थी ना जात थी, क्योंकि जो धर्म का भाषा कर रहे थे, जात की भाषा कर रहे थे, उन लोगों को गूंगा बोलिच नहीं पा रहा था, होगा किसी धर्म का।
मैं तुमको बोलना चाहता हूं, यहां पे इंसानियत की मौत हो गई, इंसान मर गया, क्योंकि हर धर्म के लुटेरों ने अपने अपने धर्म के लोगों को बचाया। आज भारत में, टोटल दुनिया में मर रहा है इंसान। बात करो, मुझे किसी धर्म जात के बारे में किसी को बोलना नहीं है, मेरा भी धर्म है, मैं हिंदू हूं, हिंदू होने का मुझे फिक्र है, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मगर हिंदू मैं हूं, इसके लिए इस्लाम खराब नहीं है ना, इसलिए सिख धर्म खराब नहीं है, दूसरा कोई धर्म भी खराब नहीं है, मेरा धर्म है, मेरे धर्म के बारे में मुझे फक्र है, मगर दूसरे धर्म में जो अच्छा है उसको मैं सीखूंगा, है ना, उसके बारे में अच्छा करूंगा, ये इंसानियत है। तो देख लीजिए, अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे तो इंसानियत कहां पे है। अनपयाम इंसानियत ग्रुप का जो फोरम है, हम तुमको धर्म से भी आगे लेके जाते हैं। माफ कर लीजिए, ये है हमारा काम, हम इंसानियत का काम कर रहे हैं, तहे दिल से काम कर रहे हैं, जान होंगी तो भी काम करेंगे, जान नहीं होंगी तो भी काम करेंगे, क्योंकि हम जो काम कर रहा है ये काम कोई जालना में औरंगाबाद में नहीं है, ये काम पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। तो स्टोरी के जरिए मुझे तुमको बोलना था कि इंसानियत आज मर रही है। और दोस्तों, आज अगर तुम मुझे कहोगे कि खड़गे सर तुमको इंसानियत कहां दिखती, तुमको इंसानियत कहां दिख रही है, दोस्तों इंसानियत तो हमने ब्लड बैंक में सीखी है, इंसानियत तो हमने ब्लड बैंक में सीखी है, जहां बोतलों पे मजहब लिखा नहीं होता है। इंसानियत तो हम सिर्फ आजकल किधर देखते हैं, ब्लड बैंक में। अरे जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध की लड़ाई लड़ते हैं ना, जब किसी की मां, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बेबी बीमार है, हम तुम अस्पताल में ब्लड मांगने के लिए जाते तो मुझे बात बोलो, तुम बोलते क्या मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम का खून दो, दूसरे धर्म का खून नहीं लूंगा, नहीं चलूंगा, मेरा पसंद में घेना नहीं, खून मेरे तरह चलते नहीं, ब्लड घेना नहीं वापस है ना। तो आज अगर हिंदुस्तान में हमको, भारत में, इंडिया में बोलना है कि भाई मजहब किधर है, इंसानियत किधर है, तो मुझे सिर्फ ब्लड बैंक में आजकल इंसानियत दिख रही है। ये थोड़ा सा जो बातें हैं दोस्तों, एंड बहुत सारे अमीर लोग हमको आके बोलते कि हम तुमको 2 लाख का चंदा देंगे, 5 लाख का चंदा देंगे, ये चंदा ले लो, हमारा फोटो छापो, ये करो वो करो, मगर हमको तो पहले से एक बात पता है, इंसानियत दिल में होती है, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयतनामा नहीं। ये जब तक हमको नहीं समझेगा, और हमारे जैसे यंग जनरेशन पीछे के पीछे भागना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक मां बाप को कभी सुख चैन की नींद नहीं आएंगे। आमच्या हिंदू धर्मामध्ये म्हणतात की माणसानं चांगलं कर्म केलं तर माणसाला पुनर्जन्म भेटतो, अरे ह्याच जन्मामध्ये आपण आई बापाचं चांगलं करत नाही तर पुढच्या जन्मामध्ये काय करणार रे। हे सगळं महत्वाचं आहे। मी त्या मध्ये बीड जिल्ह्यामध्ये कार्यक्रमात गेलो होतो, तिथे एक लेडीज आली, महिला पण कार्यक्रमाला होत्या, ते म्हणे माझा नवरा असा करतो सर, माझा नवरा तसा करतो। मी म्हणलं ताई आपल्या धर्मामध्ये सांगितलंय वट सावित्री पौर्णिमेला असे 7 फेरे घालायचे, पुढच्या वर्षी काम उलटा करा, म्हणलं उलटे फेरे घाला, कमीत कमी हे बेवडं त्याच्या मायला तुमच्या आयुष्यात तो निघून तर जाईल। लगेच ते उठलं ते माणूस, असं कसं म्हणता म्हणे मला सर तुम्ही। मी म्हणलं ठीक आहे, माझा बाप जरी तू असतं तरी तुला मी हेच बोललो असतो ना बाबा। म्हणलं जर तुझी बायको घरामध्ये तुला चांगलं बोलत नाही आणि तू बायकोला चांगलं बोलत नाही, समाजामध्ये तुला जगण्याचा काय अधिकार आहे बे। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट रे हे, ज्या माणसाला स्वतःच्या बहिणीला, स्वतःच्या भावाला, स्वतःच्या बापाला आणि स्वतःच्या बायकोला आदर देता येत नाही ना, ते हरामखोराच्या पाठीमागे 100-200 जरी लोक समाजात फिरले ना, माफ करा मला, ते हिजड्यासारखं असतंय, पुरासारखं असतंय, हिजड्यासारखं। हे म्हणजे असं बोलणं नाही पाहिजे, हे पयाम इंसानीचं ग्रुप नाही, पण माझ्यासारख्या मूर्ख माणसाला हीच भाषा कळते तर मग मला बोललंच पाहिजे ना। हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मी पण सांगतो, मी त्या दिवशी औरंगाबाद मध्ये सांगितलं, माझे आतापर्यंत 3 मोठे ऍक्सिडेंट झाले, कुठंच मेलो नाही, काहीच नाही घडलं। कदाचित हे असेल, आई वडिलांची चांगली सेवा करतो, तुमच्यासारखे बरेचसे आई वडील मला आशीर्वाद देतात, आणि हे यंग जनरेशन मधले पोरं आहेत ना, 2-4 पोरं प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये थोडं कुठंतरी बदलतात, त्यांना वाटतं यार काहीतरी खडके सर सांगतंय, डोक्यात काहीतरी टाकावं, चांगलं वागावं, हे बस। जिंदगी में दवाओं से तो इंसान बचता है, मगर दुआओं से बहुत काम होता है वो दोस्तों, दुआएं बहुत काम करती है। ज्या दिवशी आम्हाला हे कळायला शिकेल ना की याला चांगलं काम केल्याचं फळ चांगलं मिळतं, वाईट केल्याचं फळ वाईट मिळतं, तुम्ही एखाद्याला शिव्या देऊन जरी पैसे कमवले ना, तुम्हाला रात्रभर झोप येत नाही, आणि तुम्ही तिकडे गटारी खुदून जरी पैसे कमवले ना, रात्री मस्त झोपतोय माणूस। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय,
तुम्ही कसं कमवता काय करता हे तुमच्या आयुष्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। आता बघा लातूर में बोलू लातूर में बघा मी शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतो औरंगाबादला खडके क्लासेस आहे पण मित्रांनो बघा स्टोरी कशी भयानक असते। लातूर मध्ये मागच्या 10 ते 12 महिन्यापूर्वी लातूर मधल्या औसा तालुक्यामध्ये एका पुरीने आत्महत्या केली। आजकाल पुरीने आत्महत्या केली पोरण आत्महत्या केली आपण म्हणतो लपड आहे त्यांचं पायकर लपड असेल तर शिवपुरगी आत्महत्या करू शकत नाही। अरे तुझी खोपडी तशी चलते म्हणून तुला लपड दिसत असेल त्या पुरीने आत्महत्या क्यों की अरे उसने सुसाइड क्यों किया देखो दोस्तों उसके मां बाप उसको कॉलेज में लातूर के भेजते थे औसे के कॉलेज में भेजते थे घर में थोड़ा सा इकोनॉमिकल पैशाची चणचण झाली आणि मग आई वडिलांनी कॉलेजला पाठवणं बंद केलं। क्यों बंद किया दोस्तों देखो उस लड़की का जो पास था ना एसटी का 160 रुपए का पास था। कितना रुपए का पास 160। हमारा मोबाइल का टॉपो पे 160 रुपए का टाटा स्काई का देखो गुटके की महीने की कीमत देखो। उस लड़की के मां बाप 160 रुपए नहीं भर पाए इसके लिए लड़की 3 महीने घर में रही और जिस दिन उसको समझ में आया देखो ना कि मेरा ये जो है अभी शिक्षण विक्षण सगड़ बंद होना रहे अगला एजुकेशन मेरा बंद हो रहा देखो वो 4-5 दिन से मां के पास रो रही थी मां पैसे दे जाना है मुझे कॉलेज में। उसके मां ने उसका पास निकाल के दिया। 4 दिन लड़की औसे को जा रही कॉलेज में 5वें दिन लड़की थोड़ा कॉलेज से जल्दी आई घर पे तो उसको घर में मां नहीं दिखी। उसने देखा मां किधर है तो उसको ये दिखाई दिया कि उसके एजुकेशन के लिए उसके शिक्षण के लिए उसकी मां दूसरे के घर में जाके बर्तन मांज रही। क्या कर रही बर्तन मांज रही। तो लड़की को यह बात बहुत दिल में बैठी। लड़की ने शाम को 6-7 बजे घर में फांसी लगा के सुसाइड कर ली उसने मर ली वो लड़की। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गया ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम जो पैसे के ठेकेदार है हम जो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं दोस्तों 160 रुपए की कीमत के लिए एक अपनी बहन औसा में लातूर में मराठवाड़े में मरती है और हम इधर कौन सी बातों के लिए पैसा खर्च करते हैं ये भी थोड़ा देखो। हम जब औसे में गए और थोड़ा उस लड़की को उसके मां बाप को मिले और कहा उसकी मां क्या बोली बहुत भारी बोलिया बोले तुम कौन हो मैं बोला प्रदीप खड़के औरंगाबाद से आया हूं। मेरी लड़की ने सुसाइड करने से पहले तुम आए होते तो बहुत बड़ी बात होती सर 160 रुपए क्या तू 2000 रुपए भी देती तो मेरी लड़की साल भर काम करती थी। तो दोस्तों पायम इंसानियत ग्रुप तुमको यही रिक्वेस्ट करता है ऐसा समाज में तुमको कोई भी दिखे कि जिसका शिक्षण रुक गया है जो बहुत बीमार है हमारे ग्रुप के साथ कांटेक्ट करो हम उसके लिए काम करेंगे। हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम करता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा काम करता मगर दुख के साथ एक बात कहता हूं आदमी मरने के बाद उसके घर में गवर्नमेंट पहुंचता है। गवर्नमेंट अच्छा काम करता मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा 10-15 साल पहले क्या 1947 के बाद जितने गवर्नमेंट आए आज तक जितने गवर्नमेंट काम कर रहे हैं एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांनी आम्हाला संविधान दिलाय त्या संविधानाच्या अधिकारानेच मी सांगतो माणूस मरल्यावर सरकार घरी पोहोचत असेल और सरकार काय असलं तुमचं कारकार करणारं सरकार काहीच कामाचं नाही या गोष्टी। माणूस मेल्यावर आपण त्याच्या घरी पोहोचलो त्याच्या अगोदर पोहोचण्याची काहीतरी व्यवस्था झाली पाहिजे हो। आणि हे आमचे जे मित्र बसलेत ना तरुण आमच्या सगळ्यांना झिंग झिंग झिंगा आठ सैराट बिराट पिक्चर माहिती आहे। आता मागच्या आठवड्यामध्ये टीव्ही वरती मस्त पैकी एक न्यूज आली बघा की आमची ती अर्ची परशा ज्या झाडाच्या फांदीवर बसून त्यांनी ते गाणं रेकॉर्ड केलं त्या झाडाची फांदी तुटली। जिस डाली के ऊपर हमारी अर्ची परशा का पिक्चर रेकॉर्ड कर दिया गया था ना उस वो डाली टूट गई। ये हमारे सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हेडलाइन अर्ची परशा झाडावर बसलेली चित्रकरण केलेली झाडाची फांदी तुटली। मला हे म्हणायचं आहे अर्ची आणि परशा ज्या झाडाच्या फांदीवर बसून जी झाडाची फांदी तुटली ती तुम्ही न्यूजपेपरला किंवा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये टीव्ही चॅनलमध्ये दाखवताय अरे तशाच कितीतरी फांद्यावरती माझा महाराष्ट्रातला शेतकरी
फाशी घेऊन मरताय तेव्हा कुठं झक मारायला जाता ना तुम्ही? ह्या गोष्टी आम्हाला दिसत नाहीत. म्हणजे आमच्यावर संस्कार पिक्चरचे, आमच्यावर संस्कार हे सगळे. आम्हाला ती हिरो हिरोईन बसली, अरे उद्या माझा बाप पण मरेल ना, आपल्या घरातला कुणीतरी मरेल ना, दुसऱ्याच्या घरच्या मोतीला जायला आम्ही गुटखा खाऊन पण मोती मध्ये जातो. थू आयला मरायला नाही पाहिजे होतं. थू आणि स्वतःच्या घरचं मेलं ना गुटखा बी खायचं कळत नाही भाऊ. असे मेन प्रॉब्लेम आमच्या मध्ये आलेत. म्हणजे आपला समाज कुठे चालू आहे, आपलं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुठं चालू आहे. आम्ही आणि तुम्ही बसून एकदाच महाराष्ट्र नाही बदलू शकणार. पण मी म्हटलं ना, सुरुवात खुद से करो, खुदा तुम्हारे पीछे है. सुरुवात स्वतःपासून केली पाहिजे ना मित्रांनो. जेव्हा आपण सुरुवात पहिल्यापासून करू, स्वतःपासून करू, तेव्हा आम्ही कुठला कुठे जाऊ. महाराष्ट्रामधला सगळ्यात मोठा प्रश्न आपला जो आला ना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा, इथं काही शेतकऱ्यांचे पोरं तोंडावर ओळखू शकतो? माझा बाप शेतकरी म्हणून मी सांगतो, शेतकरी गावाकडे आत्महत्या का करतो? हा, शेतकरी गावाकडे आत्महत्या याच्यासाठी नाही करत की त्याला टॉपअपला पैसे नसतात, त्याला गुटखा खायला पैसे नसतात, त्याला ऐश करायला पैसे नसतात. शेतकरी गावाकडे असाठी आत्महत्या करतो ग्रामीण भागामध्ये. अरे 5,000 रुपयाचं जर तुम्ही बी टाकलं त्याच्यामध्ये, साधारणतः 3 एकरला 11,000 रुपये खर्च येतो. 3 एकरला बी बियाण्याचा 11,000 रुपये खर्च येतो. जर शेतकऱ्यानं 11,000 रुपये बी बियाण्यामध्ये खतामध्ये गुंतवणूक केली, त्याचं उत्पन्न 5-6 हजाराचं होतंय. शेतकरी 5-6 हजार रुपये मायनस मध्ये, म्हणून शेतकरी गावाकडे आत्महत्या करतो. कारण एक, दुसरं कारण, त्या शेतकऱ्याचं पोरग जालन्यासारख्या, औरंगाबाद सारख्या, मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकायला ठेवलेलं असतंय. ते हरामखोर तिकडं पिक्चर बघत बसतोय, ते तिकडं शिकत नाही. आणि बाप म्हणला काय करतो? काय नाही पप्पा, स्टडी रूम मध्ये बसलोय आणि थिएटर मधून बाहेर आलो. हे फार शोकांतिकेची गोष्ट आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्याचं पोरग गरज पडली तर एखाद्या हॉटेलमध्ये वेटर सारखं पण काम करल, पण बापाला गावाकडे सांगणार नाही काय करतो, आणि बापाला पण 1-2 हजार रुपये महिन्याला पाठवणार नाही, तोपर्यंत बापाची पण मान अभिमानानं पुढे जाणार नाही. आणि जी मान त्या झाडाच्या फांदीला दोरीच्या खाली जाते ना, ती मान अशी ताट फक्कस आहे बाप जी सकता है. हे तरुण पोरांनी पण सगळं बघण्याचं गरजेचं आहे. सगळा भार घराचा बापावर, सगळं कष्ट बापानं करायचं, आणि पोरांना मोटरसायकलसाठी लढायचं. पूर्ण म्हणायचं माझ्या नवऱ्याला मोटरसायकल घेऊन द्या. म्हणजे हे सगळं जे शोकंतिका चालू आहे ना, आणि खिशामध्ये पैसा नसला ना मित्रांनो, इथं जिलबी ठेवली, समोसे ठेवलेत, तिकडे भजे ठेवलेत. अरे पैसे नसले ना खिशामध्ये तर जिलबीकडे सुद्धा बघू वाटत नाही. कुणी आपल्याला म्हणलं का बे जिलबी खायची नाही का? आले पोट भरले राव, पाणी पिऊन पिऊन पोट भरलेलं असतंय. जिलबी खाऊ वाटते पण जिलबीकडे बघू वाटत नाही. पैसा जगामध्ये जगण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा आहे. पैसा हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. पण तुमच्या घरामध्ये असा काही तुम्ही बापाकडून पैसा मागू नका. मित्र मित्रांना सांगतो, जसं मराठीमध्ये म्हण आहे ना, हातपाय पाहून पाय पसरा. आपल्या बापाची लायकी पाहून तुम्ही वागायला सुरुवात करा. बापाला पैशामुळे ताप देऊ नका. जी देखो रे, आता मी पण बाप आहे. मागच्या आठवड्यातली गोष्ट सांगतो मित्रांनो, माझ्याकडे आता मंथ एंडिंग होती, पैसे सगळे संपले. माझ्या पोराचा वाढदिवस होता. तुम्ही माझ्या कपड्याकडून त्या पजेरो बिजेरो गाडीकडे जाऊ नका. मागच्या महिन्यात पैसे संपले, पोराचा वाढदिवस 28 तारखेला होतो. औरंगाबादच्या दुकानात गेलो आणि आजकाल ती ऑनलाईन सिस्टीम आली, म्हणलं एटीएम मध्ये असतील 4-5 हजार रुपये, 4-5 ATM आहेत. सगळं संपले, कपडे खरेदी केले, सगळं झालं, त्याला एटीएम दिलं, सगळं रिजेक्ट. आता पोरग माझ्याकडे बघायला लागलं ना, आयला काय बाप राव, पैसेच नाही एटीएम मध्ये. मग त्या माणसाला म्हणलं उद्या दिलं तर चालतील का? ते माणूस बी भारी, देखो बोले इधर क्या लिखा है, उधारी मना है. आयला म्हणलं लयच भारी राव. मग त्याच्याच बाजूला एक नगरसेवक माझे मित्र, त्यांना फोन केला, अरे मला असं झालंय. लगेच त्यांनी त्याला फोन केला, लगेच ती म्हणते जित्ताचाही उत्तर लेके जाओ. आयला म्हणलं घोड्याला घोडाच लागतो राव. म्हणजे आम्ही माणूस की म्हणलं साहेब मी चेक ठेवतो गाडीमध्ये, चेक आहे वाटलं तर सगळं एटीएम ठेवा, उद्या 3 हजार रुपये आणून देतो. तर ह्यांना नाही चलत, पण नगरसेवकांचा कॉल नाही जी ताच आई आहे उत्ता लेके जा. म्हणलं भारीच यार, हे आमचं असं चालू आहे आजकाल. हे थोडस ह्या गोष्टीमधून आपण बाहेर आलं पाहिजे. बस बोलना बहुत है, अगली बार जब जालना मैं आऊंगा तो बोलूंगा. मगर कुछ है मेरे पास उत्ता बोल के मैं रुक जाता हूं. एक दोस्तों, जो लोग खुश रहना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता. एक तुम आजमा के देखो, तुम किसी के शादी में गए, तुम्हारे फोटो बिटो निकाल रहे हैं, तुम मुंह लटका के बैठते क्या? आंखें बंद करके नहीं. फोटोग्राफर तुमको बोलता है थोड़ी सी मुस्कराओ, स्माइल. आमच्या त्या इंग्लिश मीडियमच्या पोरला शिकवतात, बेटा चीज कर चीज. चीज म्हणजे चीज म्हटलं ना, चीज
चीज बोलो तो कैसा होता है, चीज आंखें खुलती है ना, थोड़ा मुस्कुराओ, मुस्कुराने के बाद फोटोग्राफर तुम्हारा फोटो निकालता। अरे बॉस, 5 सेकंड की मुस्कुराहट के बाद एक फोटो निकलता है, और तुम मुस्कुराने के बाद जो फोटो अच्छा दिखता है वो दिखने के लिए अच्छा है, इसका मतलब 5 सेकंड की मुस्कुराहट के बाद जो तुम्हारा एक फोटो निकलता है वो अच्छा दिखता है। तुम अगर जिंदगी भर मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी का वीडियो कैसेट कैसा निकलेगा। तुम्हारा मेरा दुख किधर है बॉस, दिल में रखो, और जो भी इंसान मिलता ना उसको तहे दिल से बात करो, क्या चल रहा, अच्छा चल रहा। आजकल हमारा प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं मैं चल रहा रास्ते से, मैं पूछता दूसरे को कैसा चल रहा रे, दूसरा बोलता तुमसे बहुत अच्छा चल रहा। बोलते यार मैंने तो इसको पूछा, मैं चलते चलते क्या पूछ रहा, कैसे चल रहा मौलाना साहब। मौलाना साहब बोले खड़के सर तुमसे बहुत अच्छा चल रहा। इनको क्या पता मेरा क्या चल रहा, चलते वक्त भी इंसान एक अच्छी गाड़ी लगा देता है, दिन भर में टेंशन है, उसको क्या पता यार मैंने 50,000 रुपए उधर से छुड़वा, इनको कैसे क्या पता, दिन भर में प्रॉब्लम में। तीसरे दिन मौलाना साहब को जाके मिलता, मौलाना साहब तुमको कैसे क्या पता मैंने 50,000 रुपए छुड़ाए। मौलाना साहब बहुत भारी रहते, बोले अल्लाह ने मुझे बोला तूने पैसे छुड़ाए। मैं बोलता साहब ये पैसे लौटा रहा हूं। तो ये आजकल ऐसा प्रॉब्लम है, 5 सेकंड हम जब मुस्कुराते फोटो अच्छा निकलता, बस खुशियों से तो रहना है, खुशियों से रहना है। आज प्रदीप खड़के यहां बात कर रहा है, जाते वक्त क्या होगा बोल नहीं सकते। मैं मेरे क्लास में मेरे बच्चों को हमेशा बोलता, तुम सब सुनो, जब हम घर से बाहर निकलते ना, मां का थोबड़ा जरा प्यार से देखो, बाप का थोबड़ा प्यार से देखो, भाई का थोबड़ा प्यार से देखो, बहन का थोबड़ा प्यार से देखो, और बड़े बुजुर्ग लोगों अपने बेटे का भी थोबड़ा जरा प्यार से देखो। क्या पता किसको हार्ट अटैक आएगा, कौन किधर जाएगा, किसकी जिंदगी में क्या होगा, और आज की मुलाकात तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात होगी बोल नहीं सकते। ऐसी आखिरी मुलाकात नहीं होंगी यार, अल्लाह ने हमको अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा रखेंगे, भगवान हमको बहुत अच्छा रखेगा। मगर एक मुस्कुराहट की छोटी सी बात थी। चलो अब जाते जाते पयाम इंसानियत ग्रुप का जो मोटो है हमारा, तुमको बोलता हूं और मैं आपसे माफी मांग के फिर नीचे बैठ जाता हूं। देखो दोस्तों, गलतियों से सीखने की तुझ में भी समझ है, गलतियों से सीखने की तुझ में भी समझ है, मगर समझते तुम भी नहीं और समझते हम भी नहीं। ये माना कि मुद्दा मजहब का है, ये माना कि मुद्दा मजहब का है, मगर इंसानियत की राह पे चलता मैं भी नहीं और चलता तू भी नहीं। एक दिन मजहब के खेल में, एक दिन मजहब के खेल में जल जाएगा ये जहां, एक दिन मजहब के खेल में जल जाएगा ये जहां, सच कहूं बचेगा तू भी नहीं और बचेगा मैं भी नहीं। तो आप सभी की अच्छा कुछ बोला होगा। तो मेरा नाम प्रदीप खड़के है, औरंगाबाद में रहता हूं और अभी आपके दिल में रहता हूं। शुक्रिया। अपने भी अब गैरों जैसे बनकर मिलते हैं।